हाँ दोस्तों, आइए, ये भी हमारी वारामासी आ रही है शिवम स्टूडियो के प्रबल सौजन से, जिसमें ढोलक बजा रहे हैं गौरव भैया आवागढ़ से, और चिमटा बजा रहे हैं बेटा सुमित नगला डलाई से, और मैं सचिन दीवाना गांव मेहमदपुरा से, और घड़ा बजा रहा है बेटा भूपेंद्र गांव सुराया से। बात उस समय की है जिस समय बारी सी उम्र में उस पवन पुत्र हनुमान ने, यानी बजरंगी ने, जिस समय सूर्य देव को अपने मुख में दबा लिया। इंद्र ने नाराज होकर के अपने वज्र का प्रयोग कर दिया, और वज्र का जैसे ही निशाना हुआ है बजरंगी के मुख पर, तो पवन देव ने अपनी वायु को रोक दिया। पवन देव ने सारी सृष्टि की हवा, जो वायु होती है, रोक दी। उस समय इंद्र पहुंचा है पवन के सामने, और पवन देव से हाथ जोड़कर बोला है, पवन देव क्षमा कर दें, मुझे नहीं पता था कि बजरंगी आपके पुत्र हैं। और पवन देव बोले हैं इंद्र से, अरे सुनो इंद्र मेरी बात, गौरव सुनो इंद्र मेरी बात, लला मेरो प्राण न सेरे प्यारो, अरे सुनो इंद्र मेरी बात, लला मेरे प्राण न सेरे प्यारो, तेने वज्र तो दयो चलाए सूचना हृदय मिलायो, ए राजा तुमने वज्र का प्रयोग कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये पवन पुत्र हनुमान ये पवन का बेटा है। लेकिन ध्यान रहे इंद्र, मैं इस भूतल पर रहने वाले जीव जंतुओं को तक मार दूंगा, तेरी क्या औकात। पवन देव ने सारी वायु को रोक दिया। उस समय इंद्र ने हाथ जोड़े, बोले पवन देव क्षमा करना, अरे माफ होए पवन देव करना, अरे माफ होए पवन देव करना, जो वायु देव के रोक मरेंगे भैया सब वरना, वायु को यदि आपने नहीं रोका, यदि वायु को रोक लिया है, नहीं छोड़ा, तो ये जीव जंतु वरना सारे लोग मर जाएंगे। पवन पुत्र बोले हैं, अरे पूरछा बेटा को आई गौरव, अरे पूरछा बेटा को आई, मेरे बेटे दिए उठाए रहो इंद्र तू ही समझा, अरे बेटे दिए मेरे बेटा को मूर्छित अवस्था में से खड़ा कर दे, वरना इंद्र मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगा।
इधर मैया अंजना अपने लाला को गोदी में उठा रखा था। बोली है पवन देव, मेरे बेटा को कुछ हो गया तो ये ध्यान रखना, इस समय इंद्र ने पवन पुत्र हनुमान को अपने वज्र की शक्ति दी है और कहा है बेटा मुझे नहीं पता था कि आप पवन के पुत्र हैं और पुनः मुझे दवसा थे खड़ा किया है। जैसे ही पवन पुत्र खड़े हुए, लेकिन छोटी सी उम्र में पवन पुत्र को एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त हो गए। भक्तों अरे मुख में सूरी दवाई, अरे मुख में सूरी दवाए जब आयो बलधारी। बचपन में कितने कौतुक किए हमारे बाबा श्री बजरंग बली जी ने गोविंद। अरे जब जे नन्हे रे अते दवायो सूर्य रे भारी, और जन्म तो जैसे लयो गले से राम राम उच्चारी। अरे उम्र जब बाबा की रे छोटी, अरे उम्र जब बजरंगी छोटी, तेने राक्षस डाटे मारे भक्त की मेहर।